नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद के ट्रैफिक पुलिस ने संभाला कोरोना वायरस के लिए लोगों को जागरूक करने का जिम्मा। ट्रैफिक पुलिस ने कॉलेजों में जाकर के युवाओं को कोरोना वायरस को लेकर के जागरूक किया। ट्रैफिक पुलिस द्वारा युवाओं को बांटे गए मास्क, कॉलेज में स्टूडेंट की क्लास लेकर के कोरोना वायरस को और बस्ती में जाने वाली सावधानियों को लेकर के भी दी जानकारी। ट्रैफिक थाना प्रभारी रामधन सिंह का कहना है कि पढ़ने वाले युवाओं को जागरूक किया जा रहा है तथा उनको मास्क भी बांटे जा रहे हैं ताकि कोरोना वायरस से बचाव किया जा सके। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। फतेहाबाद में ट्रैफिक पुलिस द्वारा कोरोना वायरस की प्रति छात्र छात्राओं को जागरूक करने के लिए सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है और इस संबंध में जानकारी देते हुए ट्रैफिक थाना प्रभारी रामधन सिंह ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस द्वारा कोरोना वायरस के खतरे को लेकर के लोगों को जागरूक करने के लिए और इस ओर ध्यान दिलाया जा रहा है, जिसमें स्टूडेंट को जागरूक किया जाएगा। और उन्होंने बताया कि आज ट्रैफिक पुलिस द्वारा काफ़ी स्टूडेंटों को मास्क भी बांटे गए हैं क्योंकि सावधानी से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक पुलिस का ये अभियान लगातार जारी रहेगा। आप देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट। सर, आज MN कॉलेज में हमने बच्चों को सबसे पहले तो ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताया, उसके बाद में जो कोरोना वायरस फैला हुआ है, हमने पुलिस प्रशासन की तरफ से उनको मास्क बांटे गए हैं और हमने प्रशासन से भी ये आग्रह किया है कि हमारे को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दें और पब्लिक के अंदर कोई ऐसी खतरनाक बीमारी ना आए जो कि हर आदमी को मतलब दिक्कत आ जाए, तो इसलिए मास्क जरूर लगा के चलें। जो भी बच्चा पढ़ने वाला है या घर में रहने वाला है, मास्क लगाए तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करेंगे लोगों को और बताएंगे। बच्चों को मास्क बांटेंगे? आज बच्चों को 100 से 150 तक मास्क बांटे हैं। जितने भी विकल्प हैं उनको वो हमने बांटे हैं जो कि हर आदमी अपनी सुरक्षा कर सके। तो अभियान जारी रहेगा सर? हाँ, ये लगातार जारी रहेगा।